नमस्कार, सत श्री अकाल, जय जोहार। आप देख रहे हैं जीएन भारत, जन जन तक। सिमडेगा में 4 जनवरी 2022 को भीड़ द्वारा संजू प्रधान की हत्या का मामला अब तुल पकड़ता जा रहा है। एक तरफ जहां विपक्षी दल इस मामले पर राजभवन, एससी आयोग, महिला आयोग और राष्ट्रपति तक गुहार लगाने से नहीं चूक रहे, वहीं मृतक की पत्नी ने भी घटना की विस्तृत जांच की मांग की है। न्याय होगा आपके साथ, जो भी किया है दोषी को फांसी का सजा पहुँचना ही चाहिए, यही उन्होंने राय दिया है। क्योंकि घटना ही कुछ ऐसा इतना बेरहमी से हुआ है कि किसी को कुछ कहा नहीं जा सकता है। घर में भी कोई नहीं था, केवल हम दोनों केवल थे, मेरे पति और हम थे, उसके अलावे घर में कोई नहीं था। इसलिए हम तो पुलिस के साथ मेरा भरोसा उठ चुका है, क्योंकि पुलिस के सामने ये सब हुआ है। प्रशासन भी थे मौजूदगी, लेकिन उसका मौजूदगी में ये सब हुआ है तो हम पुलिस पे कैसे भरोसा करेंगे। क्या हुआ था उस दिन? गोकसिया को लेकर के कुछ विरोध करते थे मेरे हस्बैंड, उसके लिए उसको पहले ही धमकी दिया गया था कि इसको मारना है बोल के, लेकिन उस समय कुछ भी नहीं किए। बाद में वो शांत हो गया था, फिर हम लोग शादी किए, और शादी के बाद कुछ एक दो महीना बाद में हम लोग पेड़ खरीदे थे। जैसे हम लोग भाड़ा में रहते हैं, अभी तो भाड़ा में रहते हैं, इसलिए हम लोग घर बनाएंगे बोल के पेड़ खरीदे थे। पेड़ खरीदने के बाद में हम लोग अक्टूबर में कटवाए थे। अक्टूबर में कटवाने के बाद में उसको काटते हुए कोई देख लिया था, और उसको शायद वन विभाग वाले को सूचना दी, और वन विभाग वाले आए और सीज करके ले गए। सीज करके ले जाने के बाद नहीं हम लोगों को कोई नोटिस दिया था, नहीं कोई खबर मिला था हम लोग को कि इसके बारे में कार्रवाई भी होगी या फिर कुछ हो रहा है कि नहीं हो रहा है। लेकिन हम लोगों को कोई सूचना भी नहीं मिला। जैसे 4 तारीख को ही कोई मीटिंग रखा था, जैसे क्रिश्चियन भाई लोग मीटिंग रखा था, लेकिन हम लोग को हिंदू भाई को जा जाके घर घर बोला गया था कि जो नहीं मीटिंग आएगा उसको 500 रुपया जुर्माना लगेगा बोल के बोला था। और उन्होंने सब कोई मीटिंग तो किया, वो लोग को टाइम दिया था कोई दूसरा टाइम, जैसे वो लोग पहले ही मीटिंग कर लिया था, उसके बाद में वो लोग को टाइम दिया था। जैसे मेरे बस्ती वाले, छपरी डिपा है मेरा बस्ती, पुराना बस्ती, हम लोग तो रहते हैं बिसरा जरा बाजार डांड में, वहाँ जा करके धमकी दिया था। उस समय सबको मीटिंग गया था, और मीटिंग जाने के बाद में वहाँ 12 बजे का टाइम दिया था वो लोग, और उससे पहले ही मीटिंग करके वो लोग मेरा घर पहुँच गया था जहाँ पर हम लोग रहते थे बिसरा जरा में। पहुँचने के बाद में मेरे पास 4 लोग पहुँचे थे, बाकी का भीड़ पैदल जा रहा था, इसलिए लेट से पहुँची थी मेरे पास। उसके जो ग्राम प्रधान है, जो सुबन बुड़ करके, वही मेरे पति को बोले कि उसके बाद में चुनाव का मीटिंग है बोल के, चुनाव का मीटिंग है बोला। उस समय हम ठीक है जाइए बोल के हम बोल दिए उसको, गए और रोड चढ़े ठीक से, जैसे घर है हम लोग मेन रोड के साइड में गए लेके चढ़ रहे थे, और रोड में जैसे ही चढ़े उसको खींचते हुए ले जा रहे थे। तो हम पूछे उनसे कि क्यों खींचते हुए ले जा रहे हैं, मीटिंग होता है, कोई बात होती है तो प्यार से ना होती है, किसी को तो ऐसा खींच कर नहीं ले जाते हैं बोले हम उनसे। तो ऐसे ही भाभी, बस भाई भाई में ऐसे ही मजाक हो रहा है ऐसे बोले। तो ठीक है, मजाक होता है, लेकिन ऐसे भी नहीं कि किसी को तकलीफ लगे। तो नहीं भाभी, अब गुस्सा गए, घुसाने का बात नहीं है, लेकिन इस तरह से खींचते हुए ले जा रहे हैं इसलिए थोड़ा सा मन को हताश हो गया। खींचते हुए ले गया, और जहाँ पर मार्केट के जस्ट सामने में ही ले गया, और खड़ा भी नहीं हुए थे मेरा हस्बैंड ठीक से, और ग्राम प्रधान मारने के लिए स्टार्टिंग किया, और पूरा 500 का जो भीड़ आई थी ना, 500 से प्लस, वो सारे उस पर टूट पड़े। उसके बाद में मारने लगे, उस समय हम गए और हम भी पकड़े जोर से कि ऐसा मत कीजिए बोल के जाने के लिए, तो हमको भी मार पड़ा था। हमको मार रहा था उस समय मेरी छोटी बहन लोग, दो
वो लोग घर पे मौजूद थी, क्योंकि वो लोग तालाब गई हुई थी इसलिए घर में नहीं थी। आई उसके बाद में देखी कि दीदी और जीजू को मार रहे, तो वो लोग भी टूट पड़ी कि क्यों मार रहा है भाई दीदी और जीजू को बोल। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।